सरोकार। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। और चलिए अब रुख कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। राजधानी लखनऊ की महत्वपूर्ण विधानसभा एक मोहनलालगंज एक बार फिर से चर्चाओं में है, क्योंकि सपा ने इस बार फिर अपने पुराने और भरोसेमंद चेहरे पर विश्वास दिखाते हुए अमरीश सिंह पुष्कर को दोबारा से प्रत्याशी बनाया है। और इसी कड़ी में प्राइम टीवी की टीम ने मोहनलालगंज में सपा प्रत्याशी अमरीश सिंह पुष्कर से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, सारे दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, सब जनता के बीच जा रहे हैं और सब समर्थन मानते हैं दिखाई दे रहे हैं। आज इसी कड़ी में हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलाल क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमरीश पुष्कर जी। जानते हैं किस एजेंडे के बीच जनता के बीच जा रहे हैं और क्या से समर्थन मांग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल के माध्यम से। सर्वप्रथम तो मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दोबारा मौका दिया। और क्षेत्र की जनता का 5 साल से लगातार विधायक होने के साथ साथ क्षेत्र की जनता का हमको बहुत बराबर प्यार, सहयोग और आशीर्वाद मिला है। और आज ये समझ लीजिए हमारी विधानसभा में इस समय विकास का मुद्दा, खेतों के किसानों की जो फसलों को लोग चर रहे हैं, आवारा साँड़ जो फसलों को चर रहे हैं उसको लेकर भी हमारे क्षेत्र में इस सरकार से बहुत रोष है। ये चूँकि हमारी विधानसभा एक किसानों की विधानसभा है, किसानों के लिए ये सरकार 5 साल में कुछ नहीं कर पाई, ना उनकी आय दुगना हुई है और ना उनके बिजली में कोई राहत मिली। दूसरी बात ये रही कि महंगाई इतनी बढ़ गई कि पेट्रोल डीजल की वजह से उनको ज़्यादातर दिक्कतें हुई हैं। तो क्षेत्र का इस समय ज़बरदस्त सहयोग समाजवादी पार्टी को मिल रहा है, प्रत्याशी के रूप में हमको मिल रहा है। और हम लोग उम्मीद करते हैं विकास के मुद्दे पर अबकी चुनाव होगा। अब धर्म के आधार पर लोग बांटने वाले इस चुनाव में सफल नहीं होंगे और विकास के मुद्दे पर चुनाव होगा। और चुनाव में अबकी समाजवादी पार्टी भारी बहुमत के साथ जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि सपा कहीं भी टिकने वाली नहीं है और जो हश्र पिछली बार हुआ था उससे बुरा हश्र होने वाला, क्या मानते हैं? देखिए, उनकी जबान जब कहती है ये बात तो उनके चेहरे की देख लिया करिए, कितना थक गए, कितना वो परेशान है। इस समय एक केंद्रीय मंत्री, एक माननीय मुख्यमंत्री जी को आज पश्चिम में गली गली घूमना पड़ रहा है। इसके पहले बंगाल में भी इसी तरह का काम हुआ था, वहाँ का हाजिर क्या हुआ? मीडिया तो बहुत कुछ दिखाता रहा कि इतने वहाँ फलाने जीत रहे हैं, वहाँ ये पार्टी जीत रही, लेकिन स्थिति ऐसी आई कि वहाँ पे ममता बनर्जी भारी बहुमत से जीती, सब इनका फेल हो गया है। और उत्तर प्रदेश में इनके चेहरे से चमक गायब हो चुकी है। सबको पता है कि पश्चिम से हारने की शुरुआत हो रही है, जो 7वें चरण तक पूर्व तक आएगी और भारतीय जनता पार्टी बड़ी भारी बहुमत के साथ हारेगी और समाजवादी पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, समाजवादी पार्टी का अपना एजेंडा है, पर आप एक व्यक्ति विशेष का अपना एक एजेंडा होता है और एक जो क्षेत्र होता है उसका एक एजेंडा बनाता है, तो किस एजेंडे के बीच जनता के बीच जा रहा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पार्टी के तहत अपने मैनिफेस्टो में 300 यूनिट बिजली फ्री गरीबों को, 1500 रुपये समाजवादी पेंशन, इसके अलावा हम लोग जो नलकूप हैं उनका बिजली निःशुल्क रहेगी और 5 साल राशन फ्री मिलेगा, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के एजेंडे हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी विधानसभा की बात है तो हमारी विधानसभा में इस समय एक राजधानी की विधानसभा होने के बावजूद 5 साल से मैं लगातार संघर्ष कर रहा हूँ। हम अपने आप अपनी विधानसभा में एक राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं बनवा पाए, पूरी विधानसभा में एक राजकीय डिग्री कॉलेज नहीं है। और यहाँ पर तमाम ऐसी जगह हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में जाम लगता है। ओवर ब्रिज की मांग भी हमने सदन के माध्यम से पास तो कराया लेकिन इस सरकार ने बजट नहीं दिया। 5 साल ये सरकार हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव करती रही है और हमारे क्षेत्र की जनता जान रही है कि विधायक जो है समाजवादी पार्टी की वजह से उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो हमारे क्षेत्र का संपूर्ण विकास के लिए जनता आपकी समाजवादी पार्टी के विधायक को पुनः चुनेगी, क्योंकि इसके पूर्व की सरकार में 2012 से 2017 तक की इस क्षेत्र में एक ऐतिहासिक काम हुआ है। इतना काम हुआ है मोहनलालगंज विधानसभा में जितना कि शायद किसी विधानसभा में ना हुआ हो। सड़कें पूरी तरीके से सही थी, आईटी हब हमारे क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में अमूल डेयरी का प्लांट हमारी विधानसभा क्षेत्र में है, कैंसर हॉस्पिटल हमारी विधानसभा क्षेत्र में है, यहाँ तक कि ये जो आपका इकाना स्टेडियम है वो भी हमारी विधानसभा क्षेत्र में है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग जो है इन सबको देखते हुए हमारे जो लोकल उनकी समस्या है उसके लिए
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बराबर से हमारी वार्ता होती रहती है और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उम्मीद करूंगा कि जब सरकार आएगी तो हमारे क्षेत्र का चौतरफा विकास होगा, किसानों को खाद मिलेगी, उनको आवारा पशुओं से निजात मिलेगी और ब्रिज की स्थापना होगी, कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी, जो टूटी फूटी सड़कें हैं वो सड़कों का निर्माण हमारी विधानसभा में समाजवादी सरकार बनने के बाद होगा। आम आदमी पार्टी भी मुफ्त बिजली दे रही है, जो भाजपा जनता पार्टी की अभी एजेंडा आया उन्होंने कहा है कि बिजली को हम 5 यूनिट के हिसाब से देंगे, इसके तमाम बातें हैं और जिस तरह से तमाम पार्टियां चुनाव में उतरी हुई हैं, क्या मानते किस तरह से चुनौतीपूर्ण होगा समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं है, 5 साल से सरकार में थे, सबसे महंगी बिजली भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को दी, देने का काम किया। आज जब चुनाव आ गया तो आप बिजली की दरें सस्ती कर रहे हो, 5 साल से क्यों नहीं सस्ती किया, आप तो अभी और महंगा करने वाले थे। लेकिन ये कहिए, माननीय अखिलेश यादव जी का रथ जो घूमने लगा उनकी हालत ख़राब हो गई और आज ये हर चीज़ की बात कर रहे हैं, लेकिन जनता सब समझ रही है और इनके किसी भी वादे में यकीन नहीं करती, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो वादा करती है उसको पूरा करती है। और इसके पूर्व भी समाजवादी पार्टी की सरकार में जो वादा किया वो काम हुए और जो नहीं किया वादा, जैसे लखनऊ मेट्रो हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, इकाना स्टेडियम हमारे मैनिफेस्टो में नहीं था, लेकिन वो सब निर्माण कार्य माननीय अखिलेश यादव जी ने समाजवादी पार्टी की सरकार में किए। हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और जो नहीं कहते हैं उससे कहीं और ज़्यादा बढ़ के काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ मोहनलगन से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अमृत पुष्कर जी। इनका कहना है कि जिस विकास की धारा समाजवादी पार्टी ने बहाई है वो अब तक कोई नहीं बहा पाया है और 2022 में हम पूर्ण बहुमत के साथ जनता के बीच आ रहे हैं, क्योंकि जो हमने कहा है बिल्कुल पूरा करके दिया है। रश्मि के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। अगली खबर संभल से है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी हाजी मरगूब आलम ने सभी गाँव में जाकर डोर टू डोर लोगों से कोविड गाइडलाइंस का ध्यान रखते हुए समर्थकों के साथ जनसंपर्क किया है। इस दौरान लोगों से संवाद भी स्थापित किया और इसी के साथ लोगों से कहा गया है कि इस बार असमौली की जनता विधायक के बहकावे में नहीं आने वाली है। गांव में जाने वाले संपर्क मार्ग पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय शर्मा ने पूरे दल के साथ गांव-गांव पहुंचकर डोर टू डोर प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के साथ अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए गुंडौर के विकास की उन्होंने बात कही है। मौके पर रजपुरा ब्लॉक अध्यक्ष, गुंडौर विधायक अध्यक्ष, जंगू ब्लॉक अध्यक्ष समेत तमाम लोग उनके साथ वहां पर मौजूद रहे। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर पूर्व विधायक सोनू सिंह ने लाइसेंसी असलहे को दुरुपयोग किया है, जिसके चलते जिलाधिकारी ने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आज तक वो असलहा जमा नहीं करा पाए हैं। पुलिस ने इसे उल्लंघन मानते हुए घर के बाहर लाइसेंस निरस्तीकरण आदेश के नोटिस को चस्पा कर दिया है। डीएम सुल्तानपुर महोदय द्वारा पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू के लाइसेंसी शस्त्र को दुरुपयोग करने के कारण लाइसेंस को निरस्त किया गया था और उनके द्वारा आदेशित किया गया था कि इसको असलहे को जमा किया कराया जाए। ये पूर्व विधायक द्वारा अभी तक इस असलहे को नहीं जमा कराया गया, इस बाबत आज एक नोटिस निर्गत की गई है और जिसे उनके पैतृक गांव जो मायंग है वहां पे उसे चस्पा किया गया है। और अगली खबर औरैया से है, जहां पर गांव पट्टी में दबंगों ने गर्भवती महिला के साथ बेरहमी से मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं इस मामले के बाद परिजनों ने इस मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता को मिनी पीजीआई में भर्ती कराया है। आई होती सब बहू के मारपीट करते थे अंदर घुस के, सब हमने जानी सब घर से बच के गए, सब बहू को ढील दो फिर हमारे मारा कूटी हमें करन लगे लातन घोषण सुरेंद्र जी और मनोज। ये कहाँ के हैं? जी पट्टी के आने के पड़ोसी हैं आपके? हाँ पड़ोसी है। फिर क्या हुआ? फिर का हुआ, जब जाने की खून खच्चर तरंग गई सो भाज गए ढील के। अच्छा, उसके बाद फिर आप कहाँ आई? हम कहा हमारे घर वाले बजे चले गए, सब बम्बक चले गए सीधे बम्बक। आप थाने थाने पहुँची? हाँ थाने आए सीधी। थाने को आपने पुलिस को सूचना दी थी? शिकायत की? नहीं नहीं सूचना के भी ढूंढना जाओ। यहाँ कौन लेके आया आपको? मेरी लड़का ली भाई ले आए। पुलिस आई यहाँ साथ में? अगली खबर रायबरेली से है, जहां सलोन क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा गांव है जहां जाने के लिए 1 किलोमीटर दूर खेतों की मेड़ों और पगडंडियों से गुजरना पड़ता है। बता दें कि इस गांव में चार पहिया वाहन गांव में न पहुंचने के कारण किसी भी बीमार पर
उसे चारपाई से लिटाकर गांव के मुख्य मार्ग तक ले जाया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि चुनाव के समय गांव के विकास का झूठा आश्वासन उन्हें दिया जाता है और बाद में उन्हें कोई भी देखने नहीं पहुंचता है। इन समस्याओं से परेशान होकर ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है और गाँव के बाहर रोड नहीं तो वोट नहीं का बैनर भी लगा दिया है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से आज तक हमारे यहाँ रास्ता नहीं हुई। सरकार जो भी आया सब ने कहा कि तुमको रास्ता दूंगा, सब कुछ करके आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। और इसके आगे कितने बार हम लोग तकरार किए, कितना लोगों से निवेदन किया, पर किसी ने आज तक सुना नहीं। तो गाँव वोट के समय सब हाथ जोड़ते, बड़ी विनती करते, उस समय बोलते हैं हमको वोट दो, हम तुम्हारा पूरा साथ देंगे। उसके बाद पाँच साल दिखाई नहीं देते। समस्या ये है सर कि हमारे यहाँ रास्ते नहीं हैं। रास्ते लगभग हमारी उम्र 60-65 की हो चुकी है। जब से समझते हैं हमारे यहाँ कोई रास्ता नहीं बन पाया। अधिकारी लोग आते हैं या प्रधान लोग आते हैं, सब आश्वासन दे करके वोट ले लेते हैं, बाद में फिर कोई यहाँ देखने तक नहीं आता। कोई बीमार हो जाता है या किसी तरह की आपत आती है, यहाँ चरपहिया आने की रास्ता नहीं है। तो हम लोग अपने मुरीद हो चुके हैं कि वोट लेकर के चले जाते हैं, पर सड़क के नाम का कोई फिर बाद में आता नहीं। समस्या है यही कि हमारे यहाँ के इतना दिन से ना रोड मिला है, ना रत्ता पैड़ा मिला है, और बिटिया पतो अभी पतोहू तो है नैहरे भेज दी। बिटिया आ जाए, गर्भवती हो जाए तो उनका कहाँ कर लेके जाए, खटिया पर की लेके जाती है, मर जाए, जी जाए, कुछ भी हुए, कोनो तरह का परेशानी हुए, जब हमका सबका रत्ता मिले तो हम। वही महाराजगंज में विधानसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ने और या दंगे की स्थिति में उस पर नियंत्रण करने के लिए महाराजगंज पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मॉक ड्रिल की गई है। इस दौरान पुलिस कर्मी दंगा नियंत्रण के दौरान सभी उपकरण और सामानों का रिहर्सल उन्होंने किया है। पुलिस कर्मियों ने मुस्तैदी के साथ दंगे को नियंत्रित करने के लिए विधि का प्रदर्शन भी किया। अगली खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर रामपुर खास विधानसभा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पेगासस जासूसी मामले पर पीएम मोदी का इस्तीफा मांगा जाए। आगे प्रमोद तिवारी ने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद बड़े खुलासे हुए हैं और देश के लोकतंत्र को कमजोर करने के इस कलंक की जिम्मेदारी पीएम मोदी ले। लोकतंत्र की हत्या हुई है, जो आजादी के बाद हमें सबसे कीमती उपहार मिला था वो था भारत का लोकतंत्र। किसी रूप में हमें आज़ादी मिल सकती थी, राजशाही के रूप में, लोकशाही के रूप में, तानाशाही के रूप में, पर हमने लोकशाही का रास्ता चुना। और उस लोकशाही में सबसे खूबसूरत उपलब्धि हमारी है हमारा संविधान, जो चारपाई पे टिका, उसकी हत्या हुई। तो मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार से क्षमा याचना की बात करता हूं और उसके मुखिया मोदी से, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहूंगा कि देश से क्षमा याचना करें। आप पद पर नहीं रह सकते, मैं पहली बार उनके इस्तीफे की मांग। अगली खबर बिजनौर से है, जहां पर बड़ापुर सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाजी एहसान अंसारी को लोगों का समर्थन मिलने से अन्य विरोधी दलों में खलबली मची हुई है। जबकि एहसान अंसारी के क्षेत्रीय उम्मीदवार होने की वजह से उनको भारी तादाद में आम जनता का समर्थन मिल रहा है। इस दौरान एहसान अंसारी ने कहा कि सालों से क्षेत्र में कोई भी विकास नहीं हुआ है। आगे उन्होंने कहा कि बड़ापुर में जो भी विकास कार्य हुआ है सब कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन के रहते हुए ही किया गया है, उसके बाद से अब तक कोई भी विकास नहीं हुआ। अजहरुद्दीन जी सांसद रहे हमारे यहाँ 2009 से 2014 तक। मेरे क्षेत्र में उन्होंने एक गांवड़ी क्षेत्र पड़ता है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है खो नदी से, वहाँ पर अजहरुद्दीन जी ने जो पुल बनाया है वो हमारे अजहरुद्दीन जी ने बनवाया अपनी सांसद निधि से, और जो वहाँ सड़कें बनी हैं वो अजहरुद्दीन जी के द्वारा बनाई हुई है। जगह जगह तमाम सड़कें बनाई हैं अजहरुद्दीन जी ने, और अब जो काम बचा है मैं वादा करता हूं इस क्षेत्र में एक पुल बड़ापुर को कनेक्ट करता है जो गांव कुजेड़ा से पड़ता है, एक पुल सबसे पहले अगर मुझे मौका मिलता है तो एक गांव पड़ता है छायली, छायली बड़ापुर से जुड़ा हुआ है लेकिन उसके बीच में एक नदी पड़ती है, जब जब वहां बारिश पड़ती है उन लोगों का जनसंपर्क ख़त्म हो जाता है वहाँ से। वे लोग, मैंने वहाँ की एक वीडियो देखी बरसात में,
बरसात में मैंने उनकी वीडियो ये देखी कि एक प्रेग्नेंट औरत को एक बुग्गी पर ले जा चारपाई रख कर ले कर गए। जब वो उस नदी में पहुँचे तो चारपाई तक, वो औरत की चारपाई के नीचे तक पानी था। अब आप लगाइए कि कितना यहाँ मेरा मेरा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। वजह क्या है उसकी? वजह ये है मेरे यहाँ आज तक कोई भी प्रत्याशी। अगली खबर फरुखाबाद से है, जहां आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन मामले में प्राइम टीवी की खबर का असर देखने को मिला है। जहां सपा प्रत्याशी और निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों के बीच नारेबाजी और झड़प का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ बीते दिनों वायरल हुआ था, जिसमें कोरोना नियमों के साथ साथ आचार संहिता की भी जमकर धज्जियां उड़ाई गई थी। जिसकी खबर चलने के बाद अब पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए सपा प्रत्याशी के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान सपा प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव तथा निर्दलीय प्रत्याशी नरेंद्र सिंह यादव के समर्थकों के मध्य एक दूसरे पक्ष के विरुद्ध आदर्श चुनाव आचार संहिता एवं कोविड 19 के नियमों का उल्लंघन कर नारेबाजी की गई। उपरोक्त संबंध में थाना हाजा में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच लगातार जनसंपर्क का दौर भी जारी है, तो वहीं सभी दलों के प्रत्याशी अपनी अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा भी पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव त्यागी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की, क्या कुछ कहा है आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और सारे दल अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं, और जो प्रत्याशी हैं वो अलग अलग माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइंस आ चुकी है कि 10 लोगों से ज़्यादा लोगों के साथ जनसंपर्क नहीं करना है, पर तब भी लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम संख्या में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम लोगों के पास जाएंगे, अपना एजेंडा बताएंगे और बताएंगे कि हमारी सरकार अगर आती है तो क्या कुछ हम जनता के लिए करेंगे। इसी कड़ी में आज हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ की उत्तर विधानसभा में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं अमित श्रीवास्तव त्यागी, जो कि आम आदमी पार्टी से एक सफल प्रत्याशी हैं और जिनका पहले से ही काफ़ी बड़ा नाम समाज सेवा रहा, लगातार काम करते रहे हैं और एक व्यापक नाम है राजधानी लखनऊ में। तो बात करते हैं अमित श्रीवास्तव त्यागी जी, क्या मानते हैं जिस तरह से चुनाव पास आ गया है और लगातार पार्टियां प्रयास कर रही हैं जनता के एजेंडे से आ रही हैं, आम आदमी पार्टी का क्या खास एजेंडा? देखिए, हमारा दिल्ली मॉडल आज पूरे देश पूरी दुनिया में जाना जाता है। हमने पहली बार जब दिल्ली में सरकार बनाई उसके बाद से जो भी काम हमने किए आज उसकी मिसाल पूरी दुनिया में दी जाती है, चाहे वो 200 यूनिट बिजली की बात हो, चाहे लगभग 20-21 हज़ार लीटर पानी हम महीने में मुफ्त देते हैं उसकी बात हो, चाहे 1 रुपए के पर्चे पे मोहल्ला क्लिनिक की बात हो, और चाहे सरकारी स्कूल की कायाकल्प करने की बात हो। आज हमने 10 लाख लोगों को, अरविंद केजरीवाल ये भी बोल के गए कि 10 लाख लोगों को हमने रोज़गार दिया। आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता भारतीय जनता पार्टी से ये सवाल पूछ रही है कि जो वादे करके आप सत्ता में आए थे उन वादों पे खरा उतरने का काम नहीं किया आपने, तो कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रही जनता। और मुझे लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में इस बात का जवाब जनता उनको देने जा रही है। मुफ्त बिजली की बात दिल्ली में रही 300 यूनिट, उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी यही बात हो रही है। आपने वादा किया, आपने इसकी घोषणा की, उसके बाद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इसकी घोषणा की और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 5 रुपये यूनिट तक बिजली बिल के लाएंगे, यानी आधा करेंगे। क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की इस घोषणा के बाद से सारी घोषणा है? हम तो पहले ही कहते थे कि हम सत्ता परिवर्तन करने नहीं आए हैं, व्यवस्था बदलने आए हैं। आज हमारी पहली जीत हो गई है। हमने कहा था हम सत्ता नहीं व्यवस्था बदल देंगे। 4 बार भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर रहे, उनके पिताजी 3 बार मुख्यमंत्री रहे। आप उनसे पूछिए कि जब मुख्यमंत्री थे तो बिजली की याद क्यों नहीं आई? आज अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ने आ गए तो बिजली याद आ गई। इस बात को जनता समझ चुकी है कि आज आम आदमी पार्टी की नकल मार के लोग जनता की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी के लिए अपना मन बना रही है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन नेताए और सर्वजन हिताए और सर्वजन सुखाए की बात करते हैं। आम आदमी पार्टी की अपनी विचारधारा, क्या विचारधारा है, किस विचारधारा के जनता के बीच जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी की विचारधारा सभी जातियों को, सभी धर्म को एक साथ लेकर के चलने की विचारधारा है। अगर बिजली माफ़ होगी तो सभी वर्गों की होगी, अगर शिक्षा मिलेगी तो सभी के बच्चों को मिलेगी, अगर इलाज होगा तो सभी के परिवार का इलाज होगा। इसलिए आम आदमी पार्टी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अगर इन लोगों ने अच्छा काम किया होता तो आम आदमी पार्टी को बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। अरविंद केजरीवाल जी जैसा सरल व्यक्तित्व का आदमी, जिसने ये कह के व्यवस्था
व्यवस्था बदल डाली कि हम व्यवस्था बदलने आए हैं, हम सत्ता बदलने नहीं आए हैं। आज बिजली की बात सारे लोग कर रहे हैं और इनसे हम हर मुद्दे पे बुलवा देंगे। इनको नौजवान की बात करनी पड़ेगी, इनको शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, ये खंडहर पड़े सरकारी स्कूल को ठीक कराने की बात करनी पड़ेगी। आज हमारे ये मुद्दे थे और हमने इन मुद्दों पर खरा उतर के दिखाया है। जिस तरह दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल जी का साथ दिया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह संजय सिंह जी लगातार मेहनत कर रहे हैं और हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं, मैं समझता हूं इस बार जनता हमें अपनाने जा रही है, आम आदमी पार्टी की जीत निश्चित होने जा रही है, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। उत्तर विधानसभा में लगातार आप रह रहे हैं, घूम रहे हैं, आपका पहाड़ी से जनसंपर्क भी कर रहे हैं, क्या मानते हैं कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनका निराकरण अब तक नहीं हुआ है? कई सरकारें आई हैं और आप जब सत्ता में आएंगे या आप यहाँ के विधायक बनेंगे तो सबसे पहले उन्हीं समस्याओं का निराकरण करेंगे। पूरी की पूरी विधानसभा समस्याओं से घिरी हुई है। आज आप देखते हैं जगह जगह जाम रहता है, जहाँ स्थानीय विधायक का कार्यालय है वहाँ डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे का जाम लगता है। जब अपने दफ्तर के पास उन्होंने नहीं ठीक कराया तो पूरी विधानसभा में क्या ठीक कराएंगे? खदरा है, फजुल्लागंज है, तमाम ऐसे इलाके हैं जहाँ खसरा, मलेरिया, डेंगू, आपने सुनते होंगे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से दिखाया जाता हो है कि मतलब लगातार जब महामारी फैलती है तो इन एरिया में कोई भी विकास कार्य नहीं होता। जगह जगह स्वच्छ भारत के नाम पे ठग लिया, जगह जगह गंदगी का ढेर लगा रहता है, गड्ढा मुक्त भारत के नाम पे पूरा गड्ढा युक्त भारत कर दिया। एक दिन पानी बरसा था बहुत कस के लखनऊ में, आपको याद होगा, सारे घरों में पानी घुस गया था और कोई निकासी की व्यवस्था नहीं थी। जिस तरह के पाइप लाइन डाले गए हैं सीवर में, वो मैं समझता हूँ कि जगह जगह सीवर लाइन चौक हो जाती है। ये बुनियादी समस्याएँ हैं, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इन समस्याओं पर काम करूंगा। सड़क पे पटरी दुकानदारों के लिए उचित व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनको एक स्थान देना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता में रहेगा। और बंधा एक अरसे से चला आ रहा है गोमती वाला, जिस पे आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, ये मेरे एजेंडे में है कि अगर मुझे मौका मिला तो सबसे पहले इसका निर्माण होगा। यहाँ अच्छे अस्पताल, अच्छे स्कूल, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाएगी, जो मेरी प्राथमिकता में है। सत्ता पक्ष बोलता है, विपक्ष बोलता है कि विपक्ष की जो बड़ी पार्टी है उनका कहना है आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं लगती है और केवल केवल कैंडे उतार रहे हैं और कहीं भी अपना आपको नहीं पाएगी इस चुनाव में। क्या मानते हैं इस चुनाव में जनता का रुझान किस तरफ रहेगा? जब हम दिल्ली में चुनाव लड़ने गए थे तो लोग इसी तरह की बात करते थे और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ही एक बार ये ऐसे होता था। लेकिन हम वापस वहाँ आए और आने के बाद हमने ऐसा रास्ता बनाया, ऐसा काम करके दिखाया कि आज जनता किसी और की बात नहीं करती है। इसी तरह मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाब हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे आज उत्तर प्रदेश की हम बात करें, सब जगह जनता हमारा साथ देने के लिए खड़ी है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, हम अपना दिल्ली मॉडल प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने ईमानदार नेताओं की चर्चा करते हैं और हम उसके लिए क्या करना चाहते हैं हम अपनी बात बताते हैं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि आज जनता अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर, अपने बच्चे के भविष्य को लेकर, अपने परिवार की जरूरतों को लेकर ये मन बना चुकी है कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हमारे परिवार के लिए कुछ कर सकती है, हमारे लिए कुछ कर सकती है और जनता हमारे साथ आने जा रही है। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अमित श्रीवास्तव त्यागी। इनका कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जैसा रोल मॉडल दिल्ली में दिखाया है वैसा उत्तर प्रदेश में दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का भी रुझान आम आदमी पार्टी की तरफ है क्योंकि इन्होंने जो कहा है वो किया है। अब आने वाले चुनाव में क्या होगा, परिणाम क्या होगा, वो वक्त बताएगा। पर एक बात तो साफ है, जिस तरह से आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश बढ़ रही है निश्चित रूप से कोई नया मुकाम हासिल करेगी। कैमरा पर्सन रश्मि के साथ गौरव श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ। वही सीतापुर के थाना मछरेहट थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गड़ी में एक पत्रकार पर जानलेवा हमला हुआ है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस तरह से है कि पीड़ित पत्रकार अपने साथी पत्रकारों के साथ मिलने जा रहा था। इसी बीच ग्राम प्रधान की ओर से नाली निर्माण कराया जा रहा था और पत्रकार को जानकारी मिली कि इस निर्माण कार्य में खराब क्वालिटी के सामान का इस्तेमाल हो रहा है। निर्माण स्थल पर सामग्री को पत्रकार ने अपने कैमरे में कैद करने की कोशिश की, तभी ग्राम प्रधान के बेटे ने उसके साथ अभद्रता की और जानलेवा हमला बोल दिया। ये तो भाई काफी गंभीर लग रही है कि रात में उल्टियां हुई थी। बड़े साहब भी जो है अधीक्षक साहब आए थे, उन्होंने देखा है। डॉक्टर साहब ये कह रहे थे कि आपको थोड़ा राहत की जरूरत है, गले में सूजन बनी हुई, सीने में दर्द हो रही है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।